नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं BHU PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा, आपको क्या क्या चीज़ देखना है, सिलेबस पहले जो था ऐसे रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न पहले जो था ऐसे रहेगा कि अलग हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ईच एंड एवरी चीज़ को मैं बताऊंगा, क्योंकि कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट के बीच में बहुत खतरनाक वाला। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ईच एंड एवरी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरा नाम अगर आपको पता नहीं, तो मेरा नाम है संजय दास। मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैं अपना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली JNU से किया हूँ, और मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद से, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। तो बात है कि जितना भी PG एंट्रेंस था, DU का हो जाए, BHU का हो जाए, सब एंट्रेंस में निकला हूँ और टॉप रैंक से निकाला था। तो आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए और क्या क्या चीज़ आप देखने से आपका अच्छा रैंक भी आ सकता है और आप एंट्रेंस भी क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूजन हो रहा है कि देखिए, जितना भी UG कोर्सेज था, तो CUCET का तो हवा चल ही रहा है। तो बोल रहा है कि सर, CUCET का एग्ज़ाम तो हो जा रहा है, PG का अभी तक कुछ नहीं आया। तो देखिए, PG का एंट्रेंस जो है, पहले भी मीटिंग में ही डिस्कस हुआ था कि PG का एंट्रेंस यूनिवर्सिटी खुद करवाएगा, ये कहा गया था। लेकिन UG का कोर्सेज बोला था CUCET का होगा, तो वही हो रहा है। अब बात हो कि PG का नोटिफिकेशन कब आएगा और उसका एग्ज़ाम क्या होगा और सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है। तो देखिए, पहले जो पैटर्न था, सिलेबस था, उसी पैटर्न और सिलेबस में ज़्यादा, मतलब वही पैटर्न में होने का चांस ज़्यादा है एग्ज़ाम, क्योंकि अलग से कोई कुछ चेंज नहीं होने वाला। हाँ, CUCET का पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन PG का नहीं होगा। आप PG का जितने भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप जो जिस भी सब्जेक्ट से, हो सकता है आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, आपका वो सोशोलॉजी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, आपका कॉमर्स का कोई हो सकता है सब्जेक्ट, आपका साइंस हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो भी हो, जो भी कोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं, उसी कोर्स में जैसे पहले एग्ज़ाम होता था, उसी पैटर्न में, उसी सिलेबस में एग्ज़ाम होगा। तो आपका पहला जो धर्म बनता है कि आप पहले जो सिलेबस था, आपका पैटर्न था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको पहले देखिए, एनालाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आ रहा जाता, उस टॉपिक को, सिलेबस को और पोर्शन को आप एक जगह लिखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आपका उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस टाइम में आपको यही करना है, उससे ज़्यादा करिएगा तो सब गोल मटोल हो जाएगा, कोई भी चीज़ याद नहीं जाएगा, एग्ज़ाम में जाके आप नेगेटिव मार्किंग कर दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग तभी कम हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन दीजिएगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग तो होता ही है। तो एक्यूरेसी तभी आता है जब रिवाइज ज़्यादा करते हैं ज़्यादा टाइम, क्योंकि हम लोग का यही माइंड करता है कि हम जो पढ़ते हैं हमको लगता है कि आ रहा है मुझे, और एग्ज़ाम में जाके हम गलती करके आते हैं, हमको लगता है ठीक तो करके आए हैं, लेकिन एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये गलती नहीं करना है, रिवीजन देने रहना है। अब बात हुआ कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन का बात मैं बताऊं तो देखिए, मई का जो मिडिल वीक है और उसका एंड वीक है, उसी के बीच में नोटिफिकेशन आने का बात चल रहा है, ठीक है। अब बात हुआ कि नोटिफिकेशन अगर तब आएगा सर, तो एग्ज़ाम कब होगा, नॉर्मल सी क्वेश्चन है ना, नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चन तो आएगा ही। अब बात हुआ कि एग्ज़ाम जो है वो जुलाई का एंड नहीं तो अगस्त का फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता है, ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है। तो आपके पास देखिए इतना ही टाइम है, उससे ज़्यादा पीछे तो जाने वाला है नहीं। अगर कोविड नहीं आया तो अलग बात है, कोविड का कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन कोविड अगर ना नॉर्मल चलते रहा तो अब ये पकड़ के रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई के एंड में ही हो सकता है और नोटिफिकेशन जो है मई के बाद आ सकता है। तो ये आपका BHU का जो है एग्ज़ाम पैटर्न ऐसे होने वाला है जैसे पहले था, तो कुछ अलग नहीं होने वाला है, जो पहले था ऐसे ही होगा। अलग अगर हुआ है तो सिर्फ UG में हुआ, कुछ कुछ दिक्कतें UG CUCET में है, कुछ कुछ सुविधाएं भी हैं। अब डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा कौन सा चीज़ अच्छा है नहीं है, लेकिन PG का जो है कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, मुझे जितना लगता है, जितना मुझे खबर मिला है अथॉरिटी से, ठीक है। तो आप जैसे मैं बताया हूँ ऐसे प्रिपरेशन कीजिए, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो, प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो आपको, मैं इसके लिए हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन उसके रिगार्डिंग वीडियो जरूर बना देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट BHU के बारे में पूछ रहा था, सर BHU के लिए वीडियो बनाए, तो मैं BHU के लिए वीडियो बना दिया, मैं और वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं वीडियो बना दूंगा जरूर, ठीक है। तो हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, दोस्तों को बताने के लिए, लाल वाला बटन नीचे जो है वो दबाने के लिए, प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक, तहे दिल से मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको।